आता है इस लिस्ट में मिस्टर विजय केडिया का। ये भी बहुत बेसिक बैकग्राउंड से आते हैं और अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं आज की तारीख में। ये भी स्टॉक ब्रोकिंग फैमिली, मतलब इनकी फैमिली में बिजनेस ही स्टॉक मार्केट का था और इन्होंने उसी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, एक तरीके से नेपोटिज्म, बट चलो वो अलग मुद्दा होता है। तो इनके फादर साहब की भी डेथ हो गई और ये 19 साल की उम्र में इन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, सपोर्ट किया। शुरुआत में इनको थोड़ा मुश्किल हुआ, इनफैक्ट बिजनेस नहीं चला और काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। इनफैक्ट अपने सारे स्टॉक्स को इन्होंने सेल ऑफ कर दिया और एक पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगा दिया काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ अपने एनालिसिस के बाद, और अतुल ऑटो, एजेस लॉजिस्टिक्स, सेरा सैनिटी वेयर में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये करीब पिछले 12 साल में 100 गुना वैल्यूएशन बढ़ चुकी है इन कंपनीज में। उससे पता लगता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सही समय पे, सही प्राइस पॉइंट पे वैल्यूएशन अगर आपने कर ली तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं।